हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी नेचुरल बी फिट। चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एलोवेरा का जूस बनाने के लिए हमें एलोवेरा प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें एक एलोवेरा लीफ ले लेना है। ये देख सकते हैं, मैंने एक लीफ को कट कर लिया है, बड़ा वाला ही हमें लेना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें बनाने के लिए। एक बाउल लगेगा, उसके बाद हमें एक ग्लास लगेगा। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का ग्लास लिया है, आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं। एक छन्नी, मिक्सर जार, शक्कर, स्पैचुला, नींबू, नाइफ, चाकू, एलोवेरा लीफ को हमने धो लिया है, अभी इसे कट कर लेंगे। ये दाग नॉर्मल है फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसे दाग आ जाते हैं एलोवेरा लीफ पर। गंदा लीफ नहीं है, अच्छा ही है। अभी एक बर्तन में एलोवेरा लीफ को ये कर लेंगे। देख सकते हैं साइड से जूस निकल रहा है, हम इसके साइड में कट कर लेंगे। ये जो कांटेदार जो साइड्स रहते हैं उनको कट कर लेंगे। अच्छी तरीके से हेड को भी कट कर लेंगे, फिर बीच में से कट लगा लेंगे। बट अभी मैं बीच में नहीं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जो ऊपर का जो है वो कट कर लेंगे। ऊपर की जो स्किन है उसकी, उसको कट कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब देख सकते हैं नाइफ को आराम से चलाइए और केयरफुली चलाइए। ऊपर की स्किन ही हमें निकालनी है, जो अंदर का पार्ट है, वो जो जेली पार्ट है, वो हमें नहीं निकालना है। देख सकते हैं मैं कितने धीरे धीरे ये चला रहा हूँ चाकू को। देख सकते हैं कितना मोटा सा जेली का पार्ट मैंने वहां पर छोड़ दिया है। अच्छे तरीके से इसको कट कर लेंगे। मैंने आधा कट कर लिया है। अभी आधा कट करने के बाद आधे का ही हम जो जेली नहीं सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि फिर पूरा करेंगे तो उसे हैंडल करना हमारे लिए इजीली नहीं हैंडल कर पाएंगे हम। अब देख सकते हैं मैंने नाकू के शार्प एजेस से एलोवेरा जेली को सेपरेट करना चालू कर दिया है। आप ऐसा ही शार्प एज वाला चाकू लीजिए। देख सकते हैं इजीली जेली रिमूव हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से इजीली रिमूव हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से इजीली जेली सेपरेट हो चुकी है। घर पर एलोवेरा जूस बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे घर पर बना सकते हो। देख सकते हैं कितनी इजीली कितनी सारी जेली सेपरेट हो चुकी है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे इसमें बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ चीज़ें हो गई। अभी जो पार्ट की हमने जेली निकाली है उसको कट करके सेपरेट कर लेंगे। अभी फिर से वही मेथड का यूज़ करेंगे जैसे पहले में किया था, ऊपर की स्किन को निकाल लेंगे। मुझे यहाँ पर आधा ग्लास जूस बनाना था, इसलिए मैंने एक लीफ का यूज़ किया है फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं।
और आप ऐसा इसका जूस बनाकर इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। फ्रिज में रख के आप इसको कम से कम एक हफ्ता तो पी ही सकते हैं अच्छे तरीके से। ऊपर की स्किन को निकाल लेंगे हम। एलोवेरा का जो लीफ रहता है वो थोड़ा स्टिकी सा रहता है, तो उसे हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, बट केयरफुली करें तो वो इजीली हो भी जाता है। देख सकते हैं मैंने पूरा इसको रिमूव कर लिया है। जेली निकालते टाइम ये पत्ता मेरे हाथ से कट हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर डाला था। कोई बात नहीं, हम इसको भी अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड, एलोवेरा बहुत ही हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैंने जब इसके ये जेली सेपरेट किया तो मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे मेरे हाथ। अगर आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने इसका डायरेक्टली जेली सेपरेट कर लिया है चाकू से कट करके, आप चाहे तो वो निकाल सकते हैं। लीफ छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने वैसा किया है। अगर आपको आप चाहे तो आप इसे चाकू से निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। अगर मोटा कुछ पार्ट भी रह जाता है तो वो तो मिक्सर में ग्राइंड हो ही जाएगा। अब ये पत्तों को साइड में रख देंगे उठा के। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारी जेली निकल रिमूव हो चुकी है। अभी हम इस मिक्सर जार में इसे पेस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं मिक्सर जार ले लेंगे, उसे इस जेली को मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, बट एलोवेरा जूस का कुछ थोड़ा अलग ही टेस्ट होता है इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड की है, जिससे कि ये इजीली पिया जा सके। अदरवाइज़ इसको ओरिजिनल तो हम नहीं पी सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप शुगर ना डालें। और मैंने इसमें लेमन का यूज़ किया है, आप चाहे तो लेमन भी स्किप कर सकते हैं, बट मैंने इसका यूज़ किया है क्योंकि इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स, हम इसको नहीं पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेमन का जूस डाला है इसमें, जिससे कि इसका टेस्ट इन्हांस हो जाए, जो इसकी जो वो थोड़ी सी हीकिंग वाली जो ये रहती है ना फ्रेग्रेंस, वो कम हो जाए। देख सकते हैं मैंने लेमन को डाल दिया है, स्क्वीज कर लिया है। अच्छे तरीके से लेमन को स्क्वीज कर लीजिए। एक लेमन का रस हमने डाल दिया है इसमें जूस। अभी इसमें डालेंगे हम शक्कर। हमें इसमें पानी भी डालना है फ्रेंड्स, मैं पानी बताना भूल गया था। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है। ये स्पून मेरा छोटा है इसलिए आप बोल सकते हैं कि 1 टेबलस्पून मैंने डाली है शक्कर इसमें। इसके बाद हमें इसमें पानी भी ऐड करना है। मैं पानी बताना भूल गया था फ्रेंड्स, सॉरी, बट हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। अंदाजन मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रहा हूँ, जिससे कि हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए मिक्सी के जार में। अंदाजन मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें।
उसके बाद इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही स्मूथ इसका जूस बन के रेडी है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे हम बाउल में। स्ट्रेन कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सा हमारा एलोवेरा जूस रेडी है, होममेड एलोवेरा जूस। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लीज़ आप इसे घर पर बनाएं और ओरिजिनल ऑर्गेनिक एलोवेरा जूस घर पर बना कर पिए। अभी मैं इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर लूँगा, ये हाफ़ ग्लास इतना बन गया था हमारा एलोवेरा जूस। इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हैं एलोवेरा के बहुत बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स हमारे लिए, तो आप प्लीज़ इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने इसे बनाकर पिया भी है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा मुझे और मैं बहुत खुश हुई इसे बना के। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले कि आपका एलोवेरा जूस कैसा बना था और आपको पीने के बाद इसका कैसे फील हुआ। देख सकते हैं एलोवेरा जूस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।